कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक ऐसी घटना के साथ हाजिर हूं मैं विशाल सिंह। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के पाड़म में मंगलवार की रात रमन प्रकाश के दो मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 6 लोग जिंदा जल गए। दमकल की 10 से अधिक गाड़ियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब घर से शव निकाले गए तो लोगों की रूह कांप उठी। आग में सभी शव इस तरह झुलस गए थे कि कौन सा शव किसका था यह पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। मृतकों में 3 माह की अबोध बच्ची समेत 3 बच्चे भी शामिल थे। इस भीषण अग्निकांड में रमन प्रकाश का पुत्र मनोज कुमार की पत्नी नीरज, पुत्र हर्ष व भरत समेत रमन प्रकाश के छोटे पुत्र नितिन की पत्नी शिवानी और 3 माह की पुत्री तेजस्वी की जलकर मौत हो गई। आग के लपटों और धुएं के बीच धीरे मकान से पहला शव रात 10:10 पर बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद लोगों का कलेजा कांप गया। शव पूरी तरह जल चुका था इसलिए मौके पर शव की पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद एक के बाद एक 4 शवों को बाहर निकाला गया। वहीं एक शव बाद में मिल सका और बाद में सभी की पहचान हुई। आग बुझाते समय फायर कर्मचारी जितेंद्र पाल की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि कर्मचारी ने उसे वहां से दूर हटाने के साथ ही उसे पानी पिलाया और घटना स्थल से दूर खुले में लिटा दिया। बताया जाता है कि आग पर काबू पाने के दौरान जितेंद्र का दम घुटने लगा था। रमन प्रकाश के घर में लगी आग की लपटें इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग की लपटों के बीच घिरे मकान को बचाने और आग पर काबू पाने के लिए फायर विभाग की टीम के साथ क्षेत्रीय लोग भी पूरी तरह से असहाय दिखाई दे रहे थे। आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आसपास के मकानों के लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए थे। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि आसपास के मकानों में दरारें तक आ गई। आपको बता दें कि पाड़म निवासी राम प्रकाश का बाजार में 2 मंजिला घर है। ग्राउंड फ्लोर पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर और ज्वेलरी की दुकानें हैं, जबकि पहली मंजिल पर वो परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे थे। घर में इन्वर्टर बनाने का काम होता था। मंगलवार रात करीब 8 बजे शॉर्ट सर्किट होने से मकान में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेज फैली कि पहली मंजिल पर रह रहा पूरा परिवार आग की चपेट में फंस गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मकान में बैटरी चार्ज करने का पैनल लगा था जिस पर करीब 80 बैटरियां चार्ज हो रही थी। आशंका जताई जाती है कि आग इन्हीं बैटरियों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना की जानकारी लेकर अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अब परिवार में पिता और छोटा बेटा ही बचा है। घटना की रात पिता रमन प्रकाश अपने गांव नगला इमलिया गए हुए थे, जबकि उनका छोटा बेटा किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, जिससे ये दोनों बच गए। आग की सूचना मिलते ही नितिन घर पहुंचा तो भयावह माहौल देखकर बेसुध हो गया। पूरे कस्बे में चर्चा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घंटे भर देरी से पहुंची, जबकि पुलिस और प्रशासन कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंच गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने के बाद आग बुझाने की कार्रवाई देर से शुरू हो सकी थी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।